दोस्तों, गाड़ी में एक समस्या आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि मेरा गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा है भाई। इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया। ये देखिए, इसको एक बार क्रैंक करते हैं। नहीं हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों जैसे आप लोग को मैं अभी दिखाया, गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा है भाई। क्या प्रॉब्लम हो गया समझ नहीं पा रहे। बस कुछ देर पहले कोलकाता से लौटा हूँ मैं, एकदम बिंदास चल रहा था गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी जस्ट 1.5 घंटा हुआ मैं आया हूँ। अभी थोड़ा बाहर जाने का कुछ प्लान चल रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार गाड़ी को एक बार चेक कर लूं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, जैसे कि मैं आमतौर पे करता हूं चेक चेक वगैरह। तो देखा कि सब कुछ ठीक है, फिर मैं सोचा कि एक बार गाड़ी को ऑन करके ओडोमीटर चेक कर लेते हैं। ओडोमीटर चेक करते ही अचानक से मेरा हाथ इस हॉर्न के ऊपर पड़ा और देख रहा हूँ कि हॉर्न काम नहीं कर रहा है। बस कुछ देर पहले काम कर रहा था, अभी काम करना बंद कर दिया। अभी इसका क्या क्या कर सकते हैं वही देखना पड़ेगा मुझे। कोशिश करते हैं इसको ट्रबल शूट करने के लिए। आई डोंट नो, ये हॉर्न का कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या फ्यूज का कुछ प्रॉब्लम है। अभी टाटा नैनो का प्रॉब्लम ये है कि इसका जो फ्यूज है ना भाई, फ्यूज आपका इधर है, इधर इधर। अब इसको खोल सकते हैं कि नहीं एक बार चेक करके देख लेता हूँ मैं। रुकिए, देखते हैं। हाँ, खोल सकते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है भाई। ये तो कुछ और ही चीज है। चलिए, यहाँ पे है फ्यूज। उससे पहले एक बार यहाँ पे फ्यूज का पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं भाई, हॉर्न का कहाँ पे है? हेडलैम्प, वॉशर पंप, रिले, हाँ हॉर्न 10A, ठीक है ना, हॉर्न है 10A। अभी देखते हैं भाई 10A कौन सा है। तो पहले पीछे करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10A। 10A, अच्छा क्लिप दिया गया है, ये क्लिप इसको। ओके दोस्तों, अच्छी तरह से वो डायग्राम को देखने के बाद मुझे जो लग रहा है, हमारा जो हॉर्न का जो फ्यूज है वो है ये वाला 10 नंबर वाला, ये वाला चेंज करना है। और ये सारे स्पेयर्स, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से 10 को निकालते हैं, हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो फ्यूज है ये फ्यूज सही है। देखिए पूरा कनेक्शन है यहाँ से शुरू करके यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देखिए पूरा कनेक्शन है। तो ये वाला फ्यूज यहाँ पे रखते हैं और ये वाला 10 नंबर वाला को निकालते हैं। ओके, चलिए इसको निकालते हैं करके। चलिए निकल के। ओके, अभी देखते हैं इसका क्या हाल है, ये फ्यूज सही है कि खराब है। ओके, नहीं फ्यूज तो सही है, फ्यूज तो एकदम बिल्कुल सही है भाई, फिर भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो काम करते हैं इसको ना, इसको ये जिसको हम निकालें उसको हम स्पेयर में लगा देते हैं, स्पेयर की जगह पे। चलिए, और ये जो स्पेयर से हम लोगों ने निकाला है इसको यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे करके लगाना है। ओके,
चलिए लगा दिए, ठीक है ना, अभी देखते हैं। ओके चलिए भाई बैठते हैं, चलिए देखते हैं। नहीं हो रहा अभी, सामने वाला बोनेट खोलते हैं, देखते हैं वहां पे कुछ कांड हुआ है कि नहीं। बोनेट खोल के देखते हैं। ओके ओके, ये हॉर्न का जगह तो यहाँ पे है, तार वार का तो सब कुछ सही है। सब सही तो लग रहा है। तार वार तो सब सही है, काम क्यों नहीं कर रहे भाई? तार का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर से देखते हैं। लगता है कुछ बड़ा प्रॉब्लम ही हुआ है भाई, आइदर यहाँ का इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है और नहीं तो हॉर्न खुद ब खुद ही खराब हो गया होगा। 5 साल तो चला गाड़ी, अभी देखते हैं, अभी लेके जाना पड़ेगा। मैं जो करने का कोशिश किया, मैं सोचा कि फ्यूज का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इनिशियली वही होता है, फ्यूज कट जाता है, लेकिन फ्यूज तो सही सलामत है और कनेक्शन वगैरह तो सब सही है। टाटा नैनो का एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो फ्यूज का जो बॉक्स है ये बहुत ही कम्बरसम एरिया में है इसका फ्यूज बॉक्स। अभी मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम का क्या इलाज है। ठीक है तो चलिए। सो दोस्तों, दिस इज द सेकेंड डे, आज मैं अपना गाड़ी को लेके जा रहा हूँ एक गैराज में, देखते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है माजरा, हॉर्न क्यों नहीं काम कर रहा। अभी प्रॉब्लम यह है कि विदाउट हॉर्न गाड़ी चलाना है बहुत ही मुसीबत का काम है, और जिस गैराज में मैं जा रहा हूँ वो एक हाईवे के ऊपर ही है, तो बहुत कॉशियसली गाड़ी चलाना पड़ेगा। रोड्स में विदाउट हॉर्न ड्राइविंग अ कार इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो ठीक है, देखते हैं, चलते हैं, चलिए चलते हैं। फिर वहां पे पहुंच के आप लोगों के साथ बात करते हैं। হ্যাঁ, লাইট জ্বলছে। হ্যাঁ আচ্ছা, এই জিনিসটাই বোধ হয় থাকে নাকি? দেখো তো, এই ডবলে বাজাবো না সিঙ্গেলে বাজিয়ে দেখাবো? ডবল বাজাবো, ডবল লাগানো যায়, ডবল আমি লাইন করে বাজিয়ে দিচ্ছি তাহলে। এগুলো কি দুটো দুটো করেই আছে নাকি, না একটাও লাগানো যায়, কিরকম গল্প? একটাও লাগানো যায়, কেটে 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 কেটেও দেওয়া হয় আমাদের। আচ্ছা,
এই হর্নটা গাড়ির সাথে যখন কিনেছিলাম তখনকার হর্ন। এগুলো কোনো ওয়ারেন্টি কিছু থাকে? আচ্ছা तो हम लोग ये सिंगल ही लगा रहे हैं, बहुत अच्छा साउंड है। 490 रुपीज़ है पेयर का कॉस्ट, सिंगल का कॉस्ट इसका हाफ होगा, देखते हैं। हॉर्न, ये मिंडा का हॉर्न है, 5 साल चला, अभी नया हॉर्न लगा है। ये है अकॉर्डियन प्रीकॉल का हॉर्न है, प्रीकॉल सिंगल पीस लगा रहे हैं। ये बहुत हेवी है और ये थोड़ा लाइट है, प्रीकॉल का है। साउंड कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए जी आ गए, इसको बंद करते हैं। तो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम जो था वो था आपका हॉर्न का। तो जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया, पहला जो हॉर्न था ये था मिंडा का, बहुत ही हेवी और इसका साउंड भी ज़्यादा था इससे। और ये वाला जो हॉर्न जो मैं लगाया ये है आपका प्रीकॉल का, जो मैंने दिखाया आपको, बहुत ही हेवी। टाटा ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे के नैनो को बनाया था यार, लेकिन हम लोग नैनो को ठीक तरह से मार्केट में एक्सेप्ट नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे मिंडा लिखा हुआ है, मिंडा दिखाई दे रहा है क्या? अभी देखिए दिखाई दे रहा होगा मिंडा, यस। सो दिस इज द थिंग। चलिए टोटल कॉस्ट जो लगा मैं आप लोग को बताता हूँ। ये कौन सा है, हाईवे कार केयर, ये बर्धमान में है हाईवे के ऊपर, अच्छा सेटअप है इन लोग का, ठीक है। कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगा, एक ही हॉर्न लगाया मैं, दो नहीं लगाया। हॉर्न और लेबर चार्ज सब कुछ मिला के मेरा जो टोटल कॉस्ट आया इज 386.60। बस वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली हॉर्न का अगर प्रॉब्लम होता है तो पहले हम लोग को फ्यूज देखना है, फ्यूज अगर सही सलामत है तो हॉर्न जिस तार के साथ कनेक्टेड है उस तार का जो कनेक्टर है उसको भी चेक करके देखना है कि वहां पे कुछ कार्बन वगैरह कुछ जम गया है कि नहीं। अगर जम गया है तो उसको आप क्लीन करके आप फिर से टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और वहां पर भी करंट आ रहा है तो आपको हॉर्न चेंज करना है। तो मेरे साथ वही हुआ, अचानक हॉर्न काम करना बंद कर दिया। तो बेसिक प्रॉब्लम था हॉर्न का, तो हॉर्न चेंज कर लिए, प्रीकॉल का हॉर्न लगवाया। पेयर आता है 490 रुपीज़ का, 245 रुपीज़ का एक लगाया मैं और 120 रुपया दे चार्ज मी द लेबर कॉस्ट। ये सेटअप अच्छा लगा मुझे, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विजिटेड दिस गराज। तो
बस यही है, ये एक वीडियो में सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।